सभी को नमस्कार। तो आज की जो वीडियो है वो एक्चुअली में मेरी एक नीड की वजह से जागी। मैंने अभी हाल ही में अपनी लाइफ में फैट रिड्यूस करना और मसल गेन करना स्टार्ट किया। अभी ज्यादा ऐसे देख के जज मत करना, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है क्योंकि मैं एक साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ और अब मैं एक टीचर भी हूँ। तो सप्लीमेंट लेने से पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने खुद के सप्लीमेंट को यहाँ पे टेस्ट करूँ। ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। यहाँ पे मैं जो भी प्रोटीन टेस्ट करने वाला हूँ मुझे उसके लिए कोई पैसे नहीं मिले हुए। हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं अपने घर में कि हमारा जो प्रोटीन है वो ओरिजिनल है या फेक है, और उससे भी ज्यादा जरूरी कि मैं कैसे केमिकल लैब्स में टेस्ट करवा सकता हूँ। मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनको मैं अभी आपको बहुत करीब से दिखाने वाला हूँ कि मैंने कैसे अपने प्रोटीन को टेस्ट करवाया था लैब में यूज़ करने से पहले। क्योंकि एक बुरा एक घटिया सप्लीमेंट लेना जीवन के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, और क्या सप्लीमेंट जो होते हैं ये हमारे बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं या ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, या इनके पीछे की क्या बेसिक साइंस है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे आपको वे प्रोटीन एडवाइस करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ बात करने आया हूँ वे प्रोटीन के पीछे की साइंस की। अब सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो है कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन शब्द है वो आया प्रोटियोस शब्द से, ग्रीक शब्द है प्रोटियोस। प्रोटियोस का मतलब होता है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस, यानी कि इसकी ज़रूरत हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा होती है। अब अगर थोड़ा साइंटिफिकली समझे तो प्रोटीन्स क्या हैं, तो आप अपने गले में एक मोतियों की माला को प्रोटीन जैसा इमेजिन कर सकते हैं। मोतियों की माला कैसे बनती है? मोतियों की माला बनती है छोटे 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 मोतियों को एक साथ जोड़ के। बिल्कुल ऐसे ही प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है जो कि एक्चुअली में एक पॉलीमर आप कह सकते हैं उसको, जो कि मिलकर बनता है बहुत छोटे 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 एमिनो एसिड्स की मदद से। अब प्रोटीन का हमारी बॉडी में क्या काम होता है? बहुत सारे कामों में, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं वो है हमारे मसल फाइबर को रिपेयर करके पहले से बेहतर और स्ट्रॉन्ग बनाना। जब भी हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वजन उठाते हैं चाहे बॉडी वेट के साथ एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी जो मसल फाइबर्स होते हैं वो रैप्चर हो जाते हैं, यानी कि वो फट जाते हैं। तो उनको रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, और प्रोटीन उनको पहले से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा बड़ा बनाने में हमारी हेल्प करता है, जिससे कि हमारी मसल ग्रोथ होती है। एंड प्लस प्रोटीन के बहुत सारे फायदे और हैं, उन पर मैं भी नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। हमारी बॉडी को एक्चुअली में नीड होती है अमीनो एसिड की। हम जब प्रोटीन खाते हैं उनको हम डाइजेस्ट करते हैं तो वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अमीनो एसिड दो टाइप के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। कुछ प्रकार के अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से बनाती है, उन्हें कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, क्योंकि हमें उनको बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स जिनको हमारी बॉडी नहीं बनाती है, हमें उनको बाहर से लेना होगा। ऑब्वियसली बात है, हमें प्रोटीन लेना होगा जिसके अंदर हमारे पास अमीनो एसिड्स होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे एक लिस्ट देख सकते हैं कि हमारे पास 9 अमीनो एसिड्स हैं जो कि एसेंशियल हैं, ये हमारी बॉडी खुद से नहीं बना पाती है। अब ये लिस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है आगे वीडियो में, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है ये चेक करने के लिए कि हमारा प्रोटीन सप्लीमेंट बेहतर है कि नहीं है। आगे ये लिस्ट काम आने वाले, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर बात करें हम लोग इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो कि सबसे फेमस प्रकार का प्रोटीन है जिसको हम लोग बोलते हैं वे प्रोटीन। वे प्रोटीन बनता है दूध से, यानी कि मिल्क से। अब मिल्क के अंदर दो मेजर प्रकार के जो प्रोटीन्स होते हैं वो होता है वे प्रोटीन एंड केसीन। अब केसीन को थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में समय लगता है, लेकिन वहीं पे जो वे प्रोटीन होता है ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है। एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी जिसमें किसी फेमस एक्टर ने बोला था कि इसको डाइजेस्ट होने में सालों लग जाते हैं। वो वीडियो के बारे में मैं क्या कहूँ, आप समझदार हैं। बट वे प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट होता है। अब दूध को अगर हम फाड़ दें, दूध की अगर हम लोग चर्निंग कर दें, दूध से अगर हम लोग पनीर बना दें, तो दूध के दो हिस्से हो जाते हैं, एक होता है सॉलिड पार्ट और एक होता है लिक्विड पार्ट। अब वो जो लिक्विड पार्ट होता है उसमें मेनली वे होता है। ऑब्वियसली बात है उसमें बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, उसको प्रोसेस किया जाता है। हैरान कर देने वाली बात क्या है कि 200 लीटर यानी कि 200 लीटर ऑफ मिल्क से हम लोग सिर्फ 1 kg वे प्रोटीन फॉर्म करते हैं। दैट इज वाई वे प्रोटीन थोड़ा सा महंगा होता है। तो क्या वे प्रोटीन कोई स्टेरॉइड्स होते हैं? आंसर नहीं, वे प्रोटीन बनता है दूध से। इसीलिए इसको सबसे पहली बात तो हमें स्टेरॉइड कंसीडर नहीं करना चाहिए, स्टेरॉइड्स बहुत अलग चीज होती हैं। वे प्रोटीन एक, अब आप इसको अगर आप ऐसे समझो कि एक अंडे में हमें लगभग 6 से 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है अगर हम उसको योग के साथ खाते हैं। तो अब अगर आप एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन लेते हो तो एवरेजली आपको 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो ये कुछ
नहीं है, बस एक फूड सप्लीमेंट है, दूध में से वे को अलग कर दिया गया, दैट्स इट। और कुछ भी इसमें दुनिया जान के देखनाबाजी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम गलत वे प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कुछ गलत होता है, या तो हमारे बॉडी को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा होता, या फिर हो सकता है वो हमारे बॉडी को नुकसान भी पहुंचा रहा हो। अब आप लोगों को मैंने एक स्क्रीनशॉट लेने को बोला था, और वो था ये 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो सबसे पहले आपको एक अच्छे प्रोटीन में ये देखना है कि उसका एमिनो एसिड प्रोफाइल क्या है। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बाकी मैं साइड में भी लगा दूंगा। मैं ये प्रोटीन क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको इसके 3 कारण दूंगा। बट अभी के लिए अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये एक पेड एड नहीं है। वो अलग बात है कि अगर ये वीडियो उन तक पहुंचती है और उसके बाद वो मुझे इसके पैसे देना चाहें तो अलग बात है, या मेरे घर में प्रोटीन का स्टॉक डालना चाहें तो अलग बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मैं आपको पास वाले कैमरे से भी दिखा दूं, ये पास नेचुरल टीन का प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन के पीछे यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, मैं पास वाले कैमरे में दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास आपको इसकी एमिनो एसिड प्रोफाइल मिलेगी। आपको इसके अंदर 9 के 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स मिल जाएंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। सबसे पहला तरीका ये चेक करना होता है कि उसके अंदर सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स मिल रहे हैं कि नहीं। क्यों? अगर मेरे प्रोटीन के अंदर, मेरे वे प्रोटीन के अंदर मुझे सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं मिलते हैं, तो मुझे दूसरे सोर्सेस पे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उन 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स की ज़रूरत तो है ही है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है। अब ये मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स के अंदर आपको मिल जाएगा, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, बहुत सारों में नहीं भी है, तो वो वाले प्रोटीन्स आपको अवॉइड करने चाहिए। नेचुरल टीन का ये जो प्रोटीन है, ये दावा करता है कि इनके एक स्कूप के अंदर इनको 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा। अब ऐसा कह सकते हैं, अगर हम एरर को भी इंक्लूड करें तो 22 ग्राम से लेकर 24 ग्राम प्रोटीन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके एक स्कूप ऑफ प्रोटीन के अंदर। एक स्कूप यहाँ पे 30 ग्राम का माना जा रहा है। ये जो किट है ये मैंने मंगवाई है, मैं आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगेन ये भी स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है, ये मसल ब्लेस की एक किट है। ये किट दावा करती है कि हम इससे चेक कर सकते हैं कि एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन के अंदर कितना हमें उसमें प्रोटीन मिलेगा। और फिर हम लोग इस KMNO4 जो कि आप किसी भी केमिस्ट शॉप से मिल जाएगा बहुत इजीली, अगर जिससे हम चेक करेंगे कि क्या ये लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई एडेड शुगर नहीं है। हर एक जिम फ्रीक, हर एक अपनी बॉडी को बेहतर करने वाला शुगर को हमेशा कट डाउन करना चाहता है। अब कई कंपनीज ऐसा बोलती हैं कि उनके प्रोटीन में शुगर नहीं ऐड हो रखी है, तो बट कई बार उसमें शुगर एडेड होती है। अब उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे KMNO4 के साथ आउट टेस्ट करते हैं। तो कैसे मैं अपने प्रोटीन के एक स्कूप में अमाउंट ऑफ प्रोटीन को टेस्ट कर सकता हूँ यूजिंग दिस किट। अब ये जो किट है ये 24 घंटे का समय लेती है टेस्ट करने के लिए, तो इसको हम आज छोड़ेंगे और फिर हम कल इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे पास लगभग 200 ml ऑफ वाटर है, क्योंकि इस किट पे लिखा हुआ है कि हमें 200 ml पानी लेना है। अब 200 ml पानी के अंदर मैं यहाँ पे एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन डाल रहा हूँ, जो कि 30 ग्राम्स का है, एग्जैक्टली एक स्कूप ऑफ प्रोटीन। एंड ऑब्वियसली बात है, इसको अब हम थोड़ा सा शेक करेंगे। यहाँ पे शेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि कुछ लम्प्स नहीं बनने चाहिए, यूनिफॉर्म शेक होना चाहिए। तो प्रॉपरली शेक करने के बाद अब इस किट के अंदर से एक चीज़ और निकली है। अब शायद इसके अंदर ये एक अजीब सा ब्लास्ट हुआ, क्योंकि शायद इसके अंदर एक एसिड है जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैंने अभी इसको जैसे ही खोला मुझे एक स्मेल आई, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं एक एसिड है, क्योंकि एसिड जो होता है वो प्रोटीन को एक्चुअली डीनेचुरेट कर देता है और डिफरेंशिएट कर देता है। तो कहीं ना कहीं मुझे स्मेल आ रही है कि इसके अंदर एक एसिड है, बाकी एग्जैक्टली कौन सा एसिड है वो तो नहीं पता। बट इस एसिड को मैं इसके अंदर डाल दूंगा, जो कि लगभग हमारे पास 25 ml के आसपास होगा। मैं अगर स्मेल भी करूं तो मुझे इसमें से एक एसिड की स्मेल आ रही है अजीब सी। अब इसके अंदर मुझे 10 ml ऑफ मेरा जो मिक्सचर है प्रोटीन का वो डालना है, सब कुछ किट में लिखा हुआ है। और 10 ml डालने के बाद मुझे इसको फिर से अच्छे से बंद करके शेक कर लेना है, और शेक करने के बाद अच्छे से शेक करना है ताकि एक जितना हो सके यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाए। और शेक करने के बाद मुझे इसे अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देना है लगभग 24 घंटे के लिए। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक दिन के बाद, यानी कि 24 आवर्स के बाद, वो क्या है, अगर 6-7 ml तक इसका प्रेसिपिटेट मिलता है, तो यानी कि हमारे प्रोटीन सैंपल में 35-45% है। ऐसे अगर मान लो 11 ml से ज़्यादा मिलता है तो मोर देन 85% है। तो ये हमें कल पता लगेगा।
तो लगभग 24 घंटे हो चुके हैं और इसकी रीडिंग मैंने आपको बताई थी, जहाँ पे हमारी जो रीडिंग है वो लगभग 10 से थोड़ा सा कम है। ऑल्दो थोड़ा सा पानी में घुला भी हुआ है अभी, ये शायद और प्रेसिपिटेट हो पता नहीं, बट ठीक है मेरे को 23 घंटे के आसपास हो गए हैं। एंड दैट इज वाई मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ इसमें 10 ml के आसपास का मुझे प्रेसिपिटेट मिला है। अब अगर 10 मिला है तो 75 से 85, तो मैं इसका एवरेज 80 मान लेता हूँ। तो 80 का मतलब वही 30 ग्राम में 24 ग्राम के आसपास हो गया। तो प्रोटीन का अमाउंट तो इसका मतलब इसके अंदर सही है, ठीक है ना। तो ये यार हमने ले ली है थोड़ी सी चीनी का पाउडर एक्चुअली, और ये है KMnO4। अब KMnO4 एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो जैसे ही इसके अंदर कोई भी शुगरी या कैलोरी वाली चीज़ बहुत ज़्यादा जाती है तो ये बहुत जल्दी उसे ऑक्सीडाइज करता है, देखना कैसे। तो यहाँ पे हमने टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा KMnO4 ले लिया और इसे हम लोग गर्म करके एक्टिवेट कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको गर्म करने में देर लगती है, लेकिन इसे गर्म करके एक्टिवेट कर रहे हैं। पहले हम लोग इसके अंदर शुगर डालेंगे, शुगर का पाउडर, और फिर इसके अंदर डालेंगे वे प्रोटीन, और देखते हैं कि दोनों में ये कैसे अलग अलग बिहेव करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे जो वे प्रोटीन है उसमें कैलोरीज नहीं होंगी, एक बार शुगर के साथ करके देखते हैं। तो शुगर के साथ, ओ माई गॉड ये बहुत गर्म हो गया, मुझे छोड़ना पड़ा इसको। लेकिन शुगर के साथ देखो इसने कैसा बिहेव किया, क्योंकि शुगर के अंदर बहुत सारी कैलोरीज होती हैं और वो भी एक्चुअली सिंपल कैलोरीज होती हैं। बट वहीं पे अगर मैं दोबारा से KMnO4 लूँ और इसको मैं अपने वे प्रोटीन के साथ टेस्ट करूँ तो उसमें जो सिंपल कैलोरीज हैं वो कितनी होंगी, आओ ज़रा देखें। तो अगर मैं आपको वे प्रोटीन के साथ टेस्ट करके दिखाऊँ, इसे गर्म दोबारा से करेंगे जैसे पहले किया था, और बहुत जल्दी इसके अंदर हम लोगों को वे प्रोटीन डालना होगा जैसे पहले चीनी डाली थी। तो यहाँ पे मैंने वे प्रोटीन ले लिया, जैसे डाला आप देख सकते हैं कि लगभग कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब इसके अंदर सिंपल कैलोरीज बहुत ही कम है, यानी शुगर तो है ही नहीं। सबसे ज़रूरी चीज़, बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स के अंदर हमें हैवी मेटल्स देखने को मिलते हैं, और वो हैवी मेटल्स हमारी बॉडी के लिए, हमारी किडनी के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। प्लस प्रोटीन हमने इससे टेस्ट किया, ऐसा मैं मानता हूँ क्योंकि मैंने रिव्यूज़ देखे थे कि ये जो किट है वो 100% एक्यूरेट नहीं है। तो मैंने सर्च किया गूगल पे कि कैसे मैं अपने खुद के प्रोटीन को लैब टेस्ट करवा सकता हूँ कि नहीं। तो मैंने इसको यूरेका लैब्स से टेस्ट करवाया। यस, आपको शायद मैं बेवकूफ़ लग रहा हूँ, लेकिन देखो मैं अपने जीवन के साथ खेल नहीं सकता, मेरा एक छोटा बच्चा है, मेरा प्यारी सी फैमिली है, और मैं एक घटिया प्रोटीन का इस्तेमाल करके अपने जीवन के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकता। सबसे पहला है कि आपको अपने लैब के साथ कॉन्टैक्ट करना होगा ऑनलाइन। उसके बाद होगा क्या कि वो आपको एक TRF फॉर्म भेजेंगे, वो TRF फॉर्म भरना होगा, और TRF फॉर्म के साथ साथ आपको अपना प्रोटीन का सैंपल भेजना होगा। ये काम लगभग अभी एक महीना पहले किया था प्रोटीन को यूज़ करने से पहले। अब जब मैंने 300 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अपना भेजा उनके यहाँ टेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने मुझे एक एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट भेजी थी, चेक करें अगर तो 18 अगस्त की ये बात है, और मैंने उनको 2 सैंपल्स भेजे थे। लगभग 5-6 दिन बाद, यानी कि 24 तारीख की अगर बात करें तो 24 तारीख को ये मेरे पास रिपोर्ट आई। अब रिपोर्ट के अंदर मेरे पास अगेन यहाँ पे नहीं दिख रही होगी, लेकिन मैं आपके पास सामने लगा दूंगा, इसमें फैट 5.45 ग्राम है 100 ग्राम में, और 72.58 ग्राम प्रोटीन है हर 100 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट्स आप देख सकते हैं 14.5 है। एनर्जी जो है वो हर 100 ग्राम में लगभग 400 किलो कैलोरीज हैं, तो 30 ग्राम ऑफ स्कूप में आप देख सकते हैं। एडेड शुगर 0.5% से भी कम है। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, मिथाइल मरकरी, सोडियम और बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेफ लेवल से बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन जो है वो सक्सेसफुल होता है। अब इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, टेस्ट है, ये लगभग 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन लेता है, और डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ रहते हैं और आप यूरेका का कौन सा सेंटर चुनते हैं। बट उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये टेस्ट अगर आप खुद से करवाएंगे तो ये क्या कॉस्ट करेगा, प्लीज़ आप सुन के हिलिएगा मत। और क्योंकि YouTube मुझे काफ़ी पैसा देता है तो मैंने ये करवाया, 2 रीज़न से मैंने बताया, एक तो मुझे खुद से टेस्ट करना था और मुझे वीडियो भी शूट करनी थी। मैं ऊपर का नहीं दिखा सकता क्योंकि उसमें मेरा घर का एड्रेस वगैरह भी है। अगेन मैं इसका भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, बट आप देख सकते हैं कि वे प्रोटीन आइसोलेट अनफ्लेवर्ड का जो इनवॉइस रेज हुआ था, अगर आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा हो तो वो प्राइस है 15,000 रुपीज़। मैं इधर भी इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, यानी कि 15,000, और ये 15,000 रुपये का इनवॉइस एक प्रोटीन सैंपल का है,
दो प्रोटीन सैंपल लगभग लगभग मुझे 28,000 रुपीस के आसपास के पड़े थे। अगर आप अपने जीवन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको अपने प्रोटीन पे यकीन नहीं है तो आप ये टेस्ट करा सकते हैं, नहीं तो इस प्रोटीन का लैब टेस्ट रिपोर्ट मैंने कराया, आप भी करा सकते हैं। इन लोगों ने भी करा ही रखा होगा, क्लेम तो ऐसा करते हैं ये अपनी एड्स में। और हमने इसको मसल ब्लेस के किट के साथ भी टेस्ट किया, शुगर टेस्ट भी किया और हमने अमीनो एसिड प्रोफाइल को भी चेक किया। अब डिसीज़न आपका है कि प्रोटीन लेना है या नहीं लेना, और लेना है तो कौन सा लेना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इनकी वेबसाइट का जो लिंक है या बाकी सारे चीज़ें जो जो मुझे मिलेंगी मैं डाल दूंगा। और बस आई होप ये जो वीडियो है वो आपके लिए यूज़फुल साबित हुई हो। यहाँ पे दो सवाल उठते हैं कि पहली बात मैं प्रोटीन लूँ या नहीं, तो ये आपकी कॉल है। देखो मेरी लाइफ ऐसी है कि मैं इतने सारा अंडे या इतने सारा प्रोटीन रिच फूड नहीं खा सकता अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। मैं एक टीचर हूँ, मुझे 12 से लेकर 14 घंटे रोज़ पढ़ाना होता है, तो मेरे पास उतना समय नहीं था। तो मेरे पास था कि मुझे प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी अगर मैं अपनी बॉडी को अच्छा शेप में लेके आना चाहता हूँ। तो मुझे मेरे ट्रेनर ने सप्लीमेंट रिकमेंड किया, उन्होंने कहा कि आप वे प्रोटीन ले लीजिए। अब मैंने कहा यार नेट पे मैं चेक करूँ, जब मैंने अपने घर पे बोला पहली बात तो वे प्रोटीन ले रहा हूँ, तो उनको लगा कि मैं स्टेरॉइड्स ले रहा हूँ। अच्छा ऑल दो ये मैं, रीमा मैम, उशांग सर अब सब ले रहे हैं क्योंकि हमें इस पर ट्रस्ट है। लेकिन आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए कि नहीं ये आपकी चॉइस है, बट अगर आप लेते हैं तो मैं ये चाहूँगा कि आप प्लीज़ ये दो चीज़ें करवा के रखें। क्योंकि आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होंगी कि बॉडी बिल्डर ने ये लिया गलत और उसकी डेथ हो गई। यह जीवन बहुत कीमती है, हम लोग जिम जाते हैं हेल्दी होने के लिए, ना कि अपने जीवन में कुछ नुकसान लाने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है, एक बहुत ज़रूरी मैसेज मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा खर्चा करके लैब टेस्ट रिपोर्ट्स पे इस मुझे लगता है वर्थ है। मतलब नेचुरल टीन वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मैंने आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो बनाई है और आप बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स बनाते हैं। चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।